डिम्पी का ये बड़ा फैसला वनराज शाह को लेके आएगा घुटनों पे, सच सामने लाना पड़ा महंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो वनराज शाह ने खूब आज बंदर वाला नाच किया, खूब नाचा, खूब खुश हुआ कि अब तो ये शादी टूटी के टूटी। मगर अनुपमा ने बीच में आके डिम्पी के सामने टीटू को खड़ा करके बहुत बड़ा काम कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, क्यों डिम्पी गई कमरे में, क्या फैसला लिया, इसकी चर्चा तो करना बनता है। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अनुपमा ने टीटू की मां की बातें सुनी और अनुपमा जो किसी को भी दुखी नहीं देख सकती है और जिसकी बात में सच हो वो तो अनुपमा समझ ही जाती है। अनुपमा क्या वहां पे खड़ी हर मां को ये दर्द महसूस हुआ होगा, हर मां वही फैसला लेती जो टीटू की मां ने लिया और ये बात तो डिम्पी को भी महसूस हुई होगी। अब यहां पे वनराज शाह अपना फैसला सुना देता है, उसको किसी के दर्द किसी के जख्म की कुछ नहीं पड़ी, उसको पड़ी है अपनी जीत की, उसको पड़ी है अनुपमा को हराने की। इसलिए यहां पे वो अपना फैसला सुनाता है कि टीटू और डिम्पी की शादी नहीं हो सकती। तो दोस्तों इसके बाद जो ड्रामा होगा वो होगा वनराज शाह और अनुपमा के बीच में, दोनों में बहस होगी और यहीं पे डिम्पी जो है कमरे में चली जाएगी क्योंकि डिम्पी की जिंदगी का सवाल है और डिम्पी को ही नहीं फैसला लेने दिया जा रहा। डिम्पी के सामने उसका प्यार है जिसका सच सामने आया है और वो सच ऐसा है कि जिसको सुन के हर किसी का दिल पसीज जाए। वनराज शाह इंसानों में नहीं आता, इसकी उसकी बात नहीं करेंगे। तो डिम्पी कमरे में चली गई है और डिम्पी के ऊपर अनुपमा ने कहा है कि तुम ही फैसला लो और अनुपमा सबको भेज देती है। यहां पे प्री कैप में हम देखते हैं कि डिम्पी और अनुपमा दरवाजे के इस पार उस पार बात कर रहे हैं और बाद में डिम्पी कहते हैं कि मुझे भी तो सोचने का वक्त चाहिए, मुझे भी तो मेरी जिंदगी का फैसला लेने का हक है। तो अनुपमा यहां पे बिल्कुल ओके होती है क्योंकि हक है डिम्पी का, वो बच्ची नहीं है, जब वो इवन एडल्ट थी, हुई थी एडल्ट तभी उसने अपनी जिंदगी का फैसला ले लिया था घर से भाग के। तो आज इतना बड़ा फैसला डिम्पी खुद अपनी जिंदगी के बारे में क्यों नहीं ले सकती, क्योंकि अंश भी वहां से जा चुका था, अंश के सामने ये सच नहीं आया है और आगे आने वाले समय में अंश को भी पता चलेगा। बट यहां पे डिम्पी कोई फैसला लेने वाली है और जो हालात बताते हैं, जो सिचुएशन बताती है, जो डिम्पी का करेक्टर दिखाता है वो यही फैसला है दोस्तों कि डिम्पी बाहर आएगी कमरे के, जो प्री कैप में देखा टीटू के सामने खड़ी होगी और डिम्पी ये फैसला लेगी कि टीटू से तो मैं शादी करूंगी मगर टीटू मुझे अपने घर लेके जाएगा, टीटू का घर ही मेरा घर होगा और अगर डिम्पी जाएगी तो अंश तो जाएगा ही जाएगा। और यहीं पे वनराज शाह का घुटने टेकने वाला ड्रामा भी शुरू होगा, घुटने टेकेगा मगर पहले लड़ाई करेगा कि अंश मेरा पोता है, तुझे जाना है तो जा, यहीं पे उसका बेटी प्रेम खत्म होगा। मगर बेटा तो मां के पास ही जाएगा, चाहे कोई भी अदालत का दरवाजा खटखटा लो, बेटा तो मां के पास ही जाएगा और बेटा पापा से भी प्यार करता है। जिस तरह से वनराज शाह ने उसको डांटा और अनुपमा ने वनराज शाह को रोका तो ये गलत था, एक बच्चे पे इस तरह चिल्लाना पब्लिकली और वो भी उस इमोशन पे जिस इमोशन को वो जी रहा है, उसको पता भी नहीं है कि क्या हुआ है। तो ये सारी बातें अगर हम उसको एक उसमें लेके आए, स्टोरी लाइन में लेके आए, तो डिम्पी का यही फैसला होगा कि मैं टीटू से शादी भी करूंगी और टीटू के घर भी रहूंगी। ये तब तक ठीक था जब तक टीटू की फैमिली नहीं थी, अब टीटू की मां है, उनको भी हक है अपने बेटे की खुशियों में शामिल होने का, अपने बेटे की जिंदगी में शामिल होने का। क्यों वो 15 साल जेल में रहने के बाद अपने बेटे के लिए इतना बड़ा जो है, उन्होंने अपने उस पति को मारा है, जो भी बेटे को बचाने के लिए किया है, क्यों नहीं बेटा उनकी सेवा करे, क्यों ना बेटा और बहू दोनों उनकी सेवा करे, क्या उनका ये हक नहीं है जिन्होंने इतनी बड़ी अपनी लाइफ के साल जो है अपने बेटे को दे दिए। अब बेटे की बारी है और बेटे की बारी और उसके साथ साथ डिम्पी की भी बारी। तो मुझे लगता है कि डिम्पी ये वाला फैसला लेगी और ये फैसला सुन के वनराज शाह की धज्जियां उड़ेंगी और वो जब नहीं समझा पाएगा डिम्पी को, क्योंकि बाकी लोग भी वहां पे खड़े हैं, तो वो घुटनों पे आएगा और अंश को ना लेके जाए डिम्पी, इसके लिए वो अपनी वो स्टोरी लिखेगा जिसको उसे रजिस्टर करवाना है।
तब वो जो भी कुछ रोएगा धोएगा उसका फिर देखते हैं कौन मजाक उड़ाता है कौन नहीं उड़ाता है, क्योंकि इसको तो हर किसी के रोना पे मजाक ही सूझता है। तो मजा आएगा ये फैसला डिम्पी का सुन के, क्या कहते हो आप कमेंट कीजिएगा। आपको अगर यही लगता है जो मैंने आपसे शेयर किया है तो बताइएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.